स्टूडेंट, मैं उटाने सर। उटाने सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, पावर ग्रिड की वैकेंसी आपके लिए लेकर आए हम। और ये जो पावर ग्रिड की वैकेंसी, इसमें तीनों ट्रेड वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए वैकेंसी है। इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, पॉलिटेक्निक जिनका कंप्लीट है, वे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग ब्रांच में वैकेंसी आई हुई है। अब आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर ग्रिड, जैसे आप नाम जानते हैं, ये सेंट्रल भारत सरकार का जो उपक्रम है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। और ये अंडर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, मतलब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसमें अलग अलग ब्रांच के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ठीक है। और इसकी जो डेट है, अनाउंसमेंट की डेट, पब्लिश की डेट, ये 1/9/2023 दी हुई है। चलिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग, इट मीन्स पॉलिटेक्निक जिन्होंने किया है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक से, ऐसे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर ग्रिड महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन पावर ट्रांसमिशन बिजनेस। इसका जो मेन वर्क होता है पावर ग्रिड का, वो पावर ट्रांसमिट करने का काम होता है, पावर ट्रांसमिशन का काम होता है इसका, ठीक है। जो बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं पावर ग्रिड के, बड़े बड़े सब स्टेशंस देखेंगे आप, तो इनका मेन मकसद ये होता है, मोटिव ये होता है कि पावर को ट्रांसमिट करते हैं, जनरेशन प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सीधे पावर को ट्रांसमिट करते हैं, विद द मैंडेट ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेट सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द कंप्लीट इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल एंड रीजनल पावर ग्रिड। इट मीन्स ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, पावर ग्रिड का। तो पावर सिस्टम जो है वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। पावर ग्रिड ऑपरेट्स अराउंड 1,76,109 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन अलॉन्ग विद 275 सब स्टेशन एज ऑफ 31 जुलाई 2023। तो 31 जुलाई 2023 तक 275 सब स्टेशन ऑल ओवर इंडिया में इसके हैं, एंड विल्स अबाउट द 50% ऑफ टोटल पावर जनरेटेड इन द कंट्री थ्रू इट्स द ट्रांसमिशन नेटवर्क। पावर ग्रिड आल्सो वन ऑपरेट्स अराउंड द अप्रोक्सीमेटली 82,294 किलोमीटर ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क विथ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इन अप्रोक्स 458 लोकेशंस, मतलब 458 लोकेशंस पॉइंट ऑफ द इंटरकनेक्शंस, 780 लोकेशंस एंड इंट्रा सिटी जो नेटवर्क है 256 सिटीज अक्रॉस द इंडिया। तो पावर ग्रिड का बहुत बड़ा जो योगदान है वो हमें पावर डिलीवर करने में काम आता है, ठीक है, क्योंकि अदर एक स्टेट दूसरे स्टेट से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये जो इसका जो पैरा दिया हुआ है या स्पेशल लिखा हुआ है, इट इज स्ट्रॉन्ग इन हाउस एक्सपर्टीज ऑफ द वेरियस फैक्ट्स इन ट्रांसमिशन सब स्टेशंस डिस्ट्रीब्यूशन टेलीकॉम सेक्टर्स आल्सो ऑफर द कंसल्टेंसी सर्विस इन द नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स। पावर ग्रिड हैज बीन मेकिंग प्रॉफिट सिंस इंस्पेक्शन हैविंग द ग्रॉस टर्म ओवर आप इतना टर्न ओवर है इसका 45,968.7 करोड़, इतना टर्नओवर है, 7 करोड़ टर्नओवर। प्रॉफिट अप्रॉक्स द 15,226 करोड़, इतना प्रॉफिट होता है। 45 में 15,000 घटा देंगे, 15 घटा देंगे, तो मतलब इतना जो है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टॉलरेंस, ठीक है। इसमें रिक्वायर्ड द पावर ग्रिड रिक्वायर्ड द ब्राइट कमिटीज एंड द एनर्जेटिक डिप्लोमा इंजीनियर्स टू द इंडक्टेड एज द डिप्लोमा ट्रेनी। डीटी इज कॉल्ड डिप्लोमा ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड डबल डी, सिविल सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी डिसिप्लिन अंडर द रीजनल रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर द वेरियस रीजन्स कॉरपोरेट टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ द जुडिशियल द वेरियस रीजन ऑफ द इंडिकेटेड बिलो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द
रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द एमबी पावर ग्रिड. सो पावर ग्रिड इट इज नॉर्थ. इसके जो रीजन है वो अलग अलग रीजन है, जैसे NR इसे कहते हैं नॉर्थ रीजन, ठीक है. उसके बाद NR सेकेंड, तो नॉर्थ रीजन सेकेंड हो जाएगा. नॉर्थ रीजन थर्ड, ER ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन नॉर्थन ईस्टर्न रीजन NER, इस टाइप से. तो ये स्टेट दिए हुए हैं, इसके स्टेट में दिल्ली, राजस्थान, पूर्व उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये नॉर्थ रीजन में आते हैं. जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश वेस्टर्न रीजन में आता है, ठीक है. वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक है. मतलब ये इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी. अब एक चीज़ की बात करें हम यहाँ पर डियर फ्रेंड, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा किया है, तो इंटर जो रीज़न है, रीज़न आपको, रीज़न मतलब होता है क्षेत्र, तो ये जो रीज़न है इस रीज़न को आप देख लीजिए, क्योंकि ये रीज़न को समझ के ही आपको फॉर्म को फिल करना है. जैसे ओडिशा प्रोजेक्ट लिखा है, तो ये ओडिशा का अलग ही प्रोजेक्ट है. इसमें कॉरपोरेट सेंटर की बात करें तो गुरुग्राम, मानेसर, दिल्ली, ये इसका रीज़न अलग मिलेगा आपको, ठीक है. तो ये इसके सब सब अलग अलग रीज़न है. अब जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें डियर, तो पोस्ट ऑफ जो है नेम ऑफ पोस्ट में डिप्लोमा ट्रेनी दिया होता है. तो डिप्लोमा ट्रेनी में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया हो, ठीक है. तो पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने वाले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया वो इस फॉर्म को भर सकते हैं. इसमें अपर एज जो लिमिट दी हुई है वो दी है 27 ईयर्स, एज सुन एज 27 ईयर्स एज ऑन 23/9/2023, मतलब 23/9/2023 तक इसकी जो एज है इसके अंदर जो है 27 साल होनी चाहिए. हालांकि इसमें कैटेगरी के हिसाब से छूट अलग मिलती है, ठीक है. चलिए देख लेते हैं. अब क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो इंडक्शन लेवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर्स डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ द इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट. तो फुल टाइम की आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, पार्ट टाइम वाला नहीं चलेगा इसमें, फुल टाइम वाला चलेगा. और S1 ग्रेड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द 1 ईयर ट्रेनिंग. तो ये जो है इसके लिए इलेक्ट्रिकल EE में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल में पावर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में. तो ये इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट होगी इसमें इतने क्वालिफिकेशन वाले फॉर्म भर सकते हैं. इजन क्लियर. अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इतने सारे जो ब्रांच हैं ये EC के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है. सेकंड में है EC के लिए जो डिसिप्लिन है, इतने ब्रांचेस इसके लिए एलिजिबल होंगे. सिविल के लिए सिर्फ ओनली फॉर सिविल होगा. अब परसेंटेज आप मार्क्स की बात करें तो 70% होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका 70% है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं. इसके लिए क्राइटेरिया यही है कि आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है. BTech वाले इस फॉर्म को, बी वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते. डिप्लोमा इज इन कंपलसरी. यहाँ पर साफ लिखा है नोट, और नोट में क्या लिखा है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, बी, MTech, ME with or without diploma is not allowed. Special बोला है स्पेशली कि हायर क्वालिफिकेशन वाले BTech BE वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते. क्वालिफिकेशन acquired through the distance mode with not be considered. तो वो जो डिस्टेंस मोड में डिस्टेंस लर्निंग वाला जो होता है ये क्वालिफिकेशन इसमें कंसिडर नहीं होगा, ठीक है. प्रीफर पॉइंट जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन. सो दिस स्टूडेंट, यदि रीज़न की बात करें तो अलग अलग रीज़न से अलग अलग वैकेंसी जारी की गई. तो रीज़न में देखेंगे और पोस्ट में देखेंगे, कैटेगरी देखेंगे, तो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसी. तो यदि नॉर्थ रीज़न की बात करें तो नॉर्थ रीज़न में इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है. फिलहाल तो अभी इलेक्ट्रिकल और सिविल की बात करें.
नॉर्थ रीजन में जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल और सिविल की पोस्ट है, तो ये इलेक्ट्रिकल हो गया सिविल इंजीनियरिंग की, तो पोस्ट आईडी 301 और 302 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की देखेंगे तो 71 और सिविल की यहाँ पर वैकेंसी देखेंगे तो 14 है, ठीक है। अनरिजर्व की कितनी है 33 एंड टोटल जो 71 पोस्ट है उसमें 33 जनरल की है, सामान्य की है, 15 ओबीसी की है, 15 एससी की है और 1 एसटी की है और 7 ईडब्ल्यूएस की है और पीडब्ल्यूडी की इसमें 3 रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन की 7 हैं और डी एक्स जो मैन है डी एक्स एस एम की उसकी 3 पोस्ट है। तो इस तरीके से नॉर्थ रीजन 1 में की बात करें हम तो उसमें 71 पोस्ट को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। चलिए अब उधर नॉर्थ रीजन सेकेंड की बात करें तो नॉर्थ रीजन सेकेंड में भी टोटल जो है पोस्ट ये है 12 पोस्ट है, इसमें यूआर की 5 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 4 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है डियर स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो एनआर रीजन में सिविल की बात करें तो टोटल 3 पोस्ट है और 3 पोस्ट में 2 अनरिजर्व कैटेगरी की है और 1 एससी की है, तो ऐसे मिला के टोटल कितने हुए 3 पोस्ट हुए। फिर नॉर्थ रीजन थर्ड की बात करें तो इसमें भी वही डबल ई और सी, तो डबल ई में देखेंगे आप तो यहाँ पर 42 पोस्ट थी और इसमें सिविल में यहाँ पर पोस्ट देखें तो 8 पोस्ट थी और इसको टोटल मिलाए तो अनरिजर्व में 25 पोस्ट है, ओबीसी में 5, एससी में 2 7 और एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 4। तो इस तरीके से ईआर ईस्टर्न रीजन, ठीक है, ईस्टर्न रीजन में टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 15 है, ठीक है। ईआर रीजन सेकंड की बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखेंगे हम तो 6 और 2 है और नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 8 है, ये टोटल पोस्ट है, ठीक है, टोटल पोस्ट और टोटल पोस्ट में ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखना होगा। तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है डियर स्टूडेंट ये टोटल पोस्ट हो जाएगी, ये वाला कॉलम आएगा, वाला कॉलम नहीं आएगा और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट 16 पोस्ट है। तो इसमें जो नॉर्थन रीजन है इसमें टोटल 12 पोस्ट है, 3 पोस्ट और 2 पोस्ट है। फिर साउथ रीजन की बात करें तो इसमें टोटल 38 पोस्ट है, 7 पोस्ट ऐसे हैं और 2 पोस्ट ईसी के हैं, सिविल के 7 पोस्ट हैं, डबल ई के 38 पोस्ट हैं, ठीक है। बाकी आप कैटेगरी वाइज तो अच्छे से देख सकते हैं। साउथ रीजन की बात करें तो साउथ रीजन में टोटल 40 पोस्ट है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 14 एंड इसमें देखेंगे डबल ई की तो 40 है और सिविल की 4-5 पोस्ट है और ईसी की जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है। फिर है वेस्टर्न रीजन में टोटल 35 पोस्ट है और इसमें इलेक्ट्रिकल की 35 पोस्ट है और वेस्टर्न रीजन में सिविल की 5 पोस्ट है, ठीक है। वैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वेस्टर्न रीजन सेकंड की बात करें तो इसमें भी टोटल वैकेंसी जो है 35 वैकेंसी है और टोटल जो वैकेंसी है वो 7 है, ठीक है। तो इसमें डबल ई की 35 है, ठीक है, और सिविल की यहाँ पर देखेंगे तो सिविल की यहाँ ओनली फॉर 7 पोस्ट है। ओडिशा प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें ई सी डबल ई और सी ये तीनों का कॉम्बो होता है और तीनों में इसमें 2 पोस्ट है, 8 पोस्ट, 3 पोस्ट, 5 पोस्ट, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। सी सी की बात करें तो सी सी में यहाँ पर देखेंगे तो 4-4 पोस्ट दी हुई है, बस इतना ही हमें भरना है। टोटल जो पोस्ट देखेंगे आप तो 425 पोस्ट होती है टोटल, टोटल 425 पोस्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आप भरेंगे। द वैकेंसीज आर गिवन स्पेसिफिक एंड आर नॉट इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, तो इसमें डीटी क्या है, डीटीएससी क्या है, डीटीईसी क्या है, वो सब लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, ठीक है। कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन आपको मिलेगा 27,500 डिप्लोमा में, डिप्लोमा जो पोस्ट होती है इसमें 27,500 ही मिलता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें बात करें रिलैक्सेशन एंड कंसेशन की बात, तो रिजर्वेशन और रिजर्वेशन सिर्फ एज क्राइटेरिया मिलता है, एज में रिजर्वेशन मिलता है।
अब एज की बात करें तो ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल का रिजर्वेशन है, एसएसटी को 5 साल की छूट है और पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे डियर फ्रेंड यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखें तो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कंसेशन फॉर द एससीएसटी विल बी सब्जेक्टेड द सबमिटेड आवर रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आपको यहाँ पर एसएसटी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब फॉर्म भरेंगे। तो एक सर्विस मैन है तो एक सर्विस मैन का फॉर्म लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। फिर ठीक है, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी की बात करें तो एनसीएल में तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन जारी किया गया है। अब देखिए रिजर्वेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ पर कुछ जो क्राइटेरिया है वो जारी किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस सेल बी कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, तो सीबीटी एग्ज़ाम होगी और सीबीटी एग्ज़ाम के माध्यम से ही यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड सेल टेस्ट होगा। फॉर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट सेल बी सिक्योरिटाइज बेस्ड ऑन द जॉब स्पेसिफिकेशन रिलैक्सेशन एंड कंसर्न कंसेशन गिवन एज पर द अपलोड डॉक्यूमेंट्स। सिंस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी वेरी केयरफुल अपलोड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। यस, आपको केयरफुल इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगते हैं सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। और अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखें पावर ग्रिड के साइट में जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है। फाइनल एंड बाइंडिंग ऑल ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिशन आपको फॉर्म भर देना। पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी में इसको अलग अलग इसमें डिवाइड किया गया है। तो टोटल पूछते हैं 120+50, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, ये देख लीजिए इसमें साफ लिखा हुआ है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल 1 मार्क्स, रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वुड रिजल्ट इन द नेगेटिव मार्क्स ऑफ 1/4, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 30% इन ईच पार्ट वन एंड पार्ट टू सेपरेटली एंड मीडियम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। उसके बाद अदर रिजर्व वैकेंसीज की बात करें तो मिनिमम 25% इन ईच पार्ट एंड सेकेंड सेपरेटली एंड मिनिमम 30% मार्क्स इन अरेंज। चलिए अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस है, नॉन रिफंडेबल होगा, 300 रुपये फीस है एप्लीकेशन फ़ीस है। और ये साइड है, इस साइड में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए हाउ टू अप्लाई, आप फॉर्म भरते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ ऑल नोटिस पोस्ट सेल बी कंडक्टेड सिंगल डे इन सिंगल सेक्शन फॉर ऑल रीजन। सिंस इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज्ड ऑफ टू अप्लाई फॉर एनी रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये जाना है साइट में अप्लाई कैसा करेंगे, इसकी लिस्ट दी हुई है, ठीक है, इसकी मेथड है, फॉर्म अप्लाई कैसा करेंगे, ये सब आपको पढ़ना होगा। ये साइट है, साइट में जाके आप कैरियर सेक्शन में जाएंगे, पहले लॉगिन करेंगे, फिर इस पे जाएंगे, फिर इससे कैरियर सेक्शन में जाएंगे, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे, वहाँ ऑप्शन मिलेगा, फिर ओपनिंग एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर रीजन एंड कॉरपोरेट सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें और क्या दिया हुआ है। तो आगे इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा करके आप स्क्रॉल करके जी मतलब कि फॉर्म भरने के लिए जो प्रोसेस होती है, ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर लगेगा आपको, अल्टरनेट मोबाइल नंबर लगेगा, 2 मोबाइल नंबर लगेगा, जेपीजी फॉर्मेट में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का जो है आईडी प्रूफ वो आपको अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है आप जो ऑल टेक्निकल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आर रिक्वायर्ड टू बी स्कैंड इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही लगेगा यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें, कास्ट सर्टिफिकेट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यदि डिसेबिलिटी है सर्किट तो वो लगा देंगे,
ठीक है, यदि पीडब्ल्यूडी एक कैंडिडेट है तो लगा देना एक सर्विसमैन, जो भी डॉक्यूमेंट है आप लिए फिट बैठता है वो पूरे डॉक्यूमेंट आप यहाँ लगा देंगे। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो आप उसको अप्लाई कर देंगे, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है तो उसको आप अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इन पावर ग्रिड। आपको कोई भी फॉर्म का प्रिंट आउट पावर ग्रिड को भेजना नहीं है। एक चीज़ याद रखेंगे, कोई भी प्रिंट आउट पावर ग्रिड को भेजना नहीं है, यहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट आल्सो कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। जनरेटेड रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फॉर द अदर क्वालिफिकेशंस, टेक्निकल बोर्ड का, डेट ऑफ बर्थ का, एस सी एस टी का, एक सर्विसमैन का, पीडब्ल्यूडी का, ठीक है, और बाकी अदर जितने भी हैं सारे एनी अदर डॉक्यूमेंट्स सब यहाँ पर, सब जो हैं यहाँ पर फॉर्मेट में आपको लगाना होगा। उसके बाद देखेंगे तो यदि आप यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट की बात करें तो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट ऑफ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 2,50,000 फॉर जनरल एंड ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूडी एस कैंडिडेट ऑफ 1,25,000 रुपये, एस सी एस टी पीडब्ल्यू कैंडिडेट फॉर सर्विंग द कॉरपोरेशन ऑफ द मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग सक्सेसफुली। तो आप छोड़ नहीं सकते, एग्रीमेंट आपसे भराया जाएगा 3 साल का, तभी आप, या तो फिर ये इतना फाइन है, इतना फाइन आपको भरना होगा यदि पहले आप छोड़ते हैं तो। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू सिलेक्ट द टेस्ट सेंटर ऑलमोस्ट द लिस्ट सेंटर मेंशन बिलो अगेंस्ट द नेम ऑफ रीजन इन विच कैंडिडेट इज विलिंग टू अप्लाई। द टेस्ट सेंटर शैल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द रीजन फॉर विच कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे देख लो, NR रीजन के लिए दिल्ली, NR2 के लिए जम्मू श्रीनगर, NR3 के लिए लखनऊ वाराणसी, NER नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए शिलांग गुवाहाटी, ठीक है, और डिब्रूगढ़, और ER फर्स्ट के लिए पटना रांची, ER सेकेंड के लिए कोलकाता सिलीगुड़ी, अदर जो है ओडिशा प्रोजेक्ट के लिए भुवनेश्वर राउरकेला, SR1 के लिए हैदराबाद विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम, SR2 के लिए बेंगलुरु चेन्नई कोची, है ना, वेस्ट रीजन के लिए नागपुर रायपुर और पुणे वेस्ट रीजन के लिए, और WR सेकेंड के लिए वडोदरा भोपाल और इंदौर, और CC के लिए दिल्ली। तो ये जो है एग्ज़ाम सेंटर यहाँ यहाँ होंगे, जिसका जो रीज़न आएगा वो आप देख लीजिए। जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन भी पूरे लिखे हुए हैं आपके पास क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद CBT एग्ज़ाम होगी, CBT एग्ज़ाम के बेस पर ये वैकेंसी फिल होगी। फॉर द एनी रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट प्लीज़ सेंड ईमेल, और ईमेल को सेंड करके आप यहाँ पर जान सकते हैं। चलिए देखिए, इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें डियर स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट डेट्स ही होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट डेट्स हमें पता रहना चाहिए। तो ओपनिंग डेट आप ऑनलाइन सबमिशन आप एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट आप एप्लीकेशन फ़ीस, तो ओपनिंग डेट है 1/9/2023 को, और क्लोजिंग डेट यहाँ पर बात करें फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ीस, तो ये है 23/9/2023 की बात करेंगे, ठीक है। तो 23/9/2023 तक इसकी लास्ट डेट होगी, तब तक फॉर्म भर देना है आपको। कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी, तो कट ऑफ की जो डेट है वो 23/9/2023 को पता चल जाएगा आपको लास्ट डेट में ही। उसके बाद जो है अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ऑन वेबसाइट, तो एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल आपको कराया जाएगा, उसके पहले विल बी नोटिफाइड दस सेपरेटली ऑन वेबसाइट, तो आपको पहले उसको वेबसाइट में बताया जाएगा। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट के लिए टेंटिवली इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर 2023, एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट, तो
तो डियर फ्रेंड आपको ये याद रखना है कि टेंटेटिव इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर 2023, तो अक्टूबर को इसकी एग्ज़ाम हो जाना है, इस चीज़ को याद रखेंगे, इसलिए तैयारी जारी रखिए। और हमारे चैनल के जितने वीडियोस हैं थ्योरी के, सभी वीडियोस प्रैक्टिकल के वीडियोस को देखा करिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो ये तो था पावर ग्रिड का, और पावर ग्रिड में जो भर्ती निकलती है उसकी डेट, इम्पॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है 23/9/2023। आइए हम चलते हैं अब फ्रंट पेज पे। तो पावर ग्रिड में सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले फॉर्म भरेंगे, आईटी वाले फॉर्म इसका नहीं भर सकते, बीटेक वाले, बीटेक या बीई वाले फॉर्म इसका नहीं भर सकते, सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तीन स्ट्रीम हो गया, तीन स्ट्रीम से पॉलिटेक्निक वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर अप्लाई नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये तो थी जानकारी पावर ग्रिड की, और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, इसमें पैसा और सैलरी अच्छी है, फैसिलिटीज़ अच्छी है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट निवेदन करूँगा कि हमारे, हम जब स्टूडेंट थे तो उस समय इन्फॉर्मेशन नहीं मिला करती थी, लेकिन अब अभी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें और अपनी किस्मत को आजमाएं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ताज़ा तरीन जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।